जब चुनावों की बारी आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से घोषणा पत्र तैयार किया जाता है और निश्चित रूप से घोषणा पत्र में वे तमाम सारे मुद्दे होते हैं जिन्हें लेकर कहीं ना कहीं युवा वर्ग को, मतदाता वर्ग को प्रभावित करने की तमाम सारे राजनीतिक दलों की कवायदें होती है। बहरहाल, यूनिवर्सिटी के इस संकुल में जहाँ हम खड़े हैं कुछ युवा हैं और निश्चित रूप से घोषणा पत्र के मुद्दों में युवाओं का बड़ा उल्लेख किया गया है। आइए युवाओं से जानते हैं कि वे कौन कौन से मुद्दे हैं जो शायद दोनों ही बड़े दल इस बार छोड़ चुके हैं या भूल चुके हैं, और कहीं ना कहीं जब सरकार की बात आती है, युवाओं की बात आती है, तो वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार को अपने उन वादों में, अपने उस घोषणा पत्र में शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवा हैं और कई सारी चीज़ों को लेकर आप भी सोचते होंगे, क्या लगता है सरकार को युवाओं के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो, ऐसा है कि एक ऐसी शिक्षा दें कि ताकि युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। यहाँ वादे तो कई किए जाते हैं लेकिन कोई उसका वादा निभाया नहीं जाता है। सरकार ऐसा प्रयास करे कि अपने ही क्षेत्र में युवा को रोजगार हो और कहीं भटकना ना पड़े उसको। मैं इसी चीज़ को करना चाहता हूँ। क्या लगता है, कहीं ना कहीं सरकार रोजगार के मामले में हमेशा से युवाओं को निराश करती रहती है या युवाओं की ऐसी अपेक्षाएं होती है जो सरकार शायद जिस पर खरी ना उतर पाती हो, रोजगार के क्षेत्र में किस तरह से और बेहतर कदम उठाए जाने की ज़रूरत? सर, बेहतर कदम इसलिए उठाना चाहिए हमें कि जैसे अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट का कोटा बनाना चाहिए। जैसे दूसरे स्टेट ने हमारे लिए कोटा बना रखा है, राजस्थान, गुजरात, उसी प्रकार भी हमारे यहाँ पर सरकार ने 5% या जो भी कुछ कोटा बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए युवा, क्योंकि हमारे यहीं पर ही रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं। कुल मिला के ये है कि जो दूसरे स्टेट के जो आपके अभ्यर्थी हैं, हाँ, उनके बनिस्पत मध्य प्रदेश के लोगों को महत्व मिले। हाँ, यही तो, अदर स्टेट के बदले हमारे यहाँ के रोजगार युवाओं को, उनको महत्व मिले, न कि अदर स्टेट, क्योंकि हमारे लिए तो अदर स्टेट में उन्होंने कोटा बना के रखा है, हम वहाँ पे ये भी क्रैक नहीं कर पाते, और क्रैक भी कर लेते पर इतना जनता को बना देते हैं। सर, ये नहीं, क्या 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 लगता है जो घोषणा पत्र में बहुत सारे मुद्दे, हाँ बताएं आप पहले। मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी मैं भी पुलिस की जो कांस्टेबल की जगह निकली थी, 5-6 वैकेंसी निकली थी, तो उसमें से करीब 50% पद जो है यूपी और बिहार वाले ले गए, एमपी वालों को कुछ बचा ही नहीं है। फिर ऐसा क्या मतलब, ऐसे मतलब वैकेंसी का कोई आरक्षण आरक्षण रीजन ये है कि ऐसा आरक्षण होना चाहिए जो मतलब अदर स्टेट के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा जब अपने ही देश, अपने ही प्रदेश में रोजगार युवा हैं तो क्यों दूसरे को लें अपन। क्या लगता है, सरकार हमेशा से युवाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवा वर्ग से जुड़ी हुई हैं और सरकार भूल गई हैं उन्हें, या जो राजनीतिक दल इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं वे भूल गए हैं उन्हें। हाँ, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि अपने नेता लोग कर देते, घोषणा कर देते हैं चुनाव के समय, उनको युवा याद आते हैं। अभी भी युवाओं में अगर आप देखा जाए घोषणा हुई है तो युवा जो लड़के लोग हैं उन लोगों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। आप उनके आप घोषणा पत्र में देख ली, युवा मतलब लड़कों के लिए कोई घोषणा नहीं, लड़कियों के लिए तो उन्होंने कम से कम स्कूटी का बोला, और ये अच्छी बात है कि उनको स्कूटी बोला है तो उनको देना भी चाहिए, मतलब लड़कों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए और उनको नौकरी के लिए। और अगर इनको यहीं पर प्रदेश में नौकरी युवाओं को दिलाना है तो इनके लिए हर ज़िले में उद्योग केंद्र ऐसे खोले जाए कि वो वहाँ पर नौकरी उनको प्रोवाइड की जाए, और उनको मतलब एमपी में जैसे इंदौर, भोपाल हो गए, इसके अलावा बाहर ना जाना पड़े, अपने ज़िले में नहीं छोड़ना चाहता कोई, अपने घर से दूर नहीं रहना चाहता है तो उनको वहाँ पे बड़े उद्योग प्रोवाइड किया जाए। आप हर एक चीज़ इंदौर, आप देखिए इंदौर के आसपास पूरे बड़े बड़े उद्योग है, प्रथमपुर है, अब यहाँ पे तो हो गया है ना विकास, आप दूसरे ज़िलों में क्यों नहीं कर रहे वो चीज़, यहीं पर क्यों वो उद्योग खोल रहे हो? आप दूसरे का खोलोगे तो वहाँ के लोग वहीं पर रहेंगे और वहाँ पे वहाँ की अर्थव्यवस्था उस जिले की बढ़ेगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएगी तो वहाँ पे भी विकास कार्य वो करवाएंगे, बड़े स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बहुत सी फैसिलिटी मिलेगी जैसे आज आप इंदौर भोपाल में देख रहे हैं। और युवाओं के लिए तो और नेताओं को बहुत कुछ करना है, और युवा मतलब नेताओं को आगे लाना चाहिए। क्या लगता है, बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा एक ऐसा बिंदु होता है जो हर घोषणा पत्र में हर बार शामिल किया जाता है, क्यों आखिरकार बेरोजगारी भत्ते की ज़रूरत पड़ती है, और लगता है कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं को सिर्फ चुप रखने के लिए एक सही माध्यम है? सर, ये है कि अभी हमारे भाई ने बोला है कि बेरोजगारी मतलब युवाओं के लिए सबसे बड़ी यही है रोजगार, तो यही सबसे होना चाहिए। और सबसे पहले एक, मैं अभी बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, उधर भी सबसे कमी यही है, हम इधर इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं, उधर पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है, पन्ना ज़िले से हूँ मैं, इंदौर भोपाल में हमारे इधर के भी सभी स्टूडेंट इधर ही हैं, तो यही है कि सभी जगह पढ़ाई का क्षेत्र होना चाहिए, यही है। बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सही विकल्प है या रोज़गार दिया जाना सही विकल्प है?
नहीं, रोजगार देना सही विकल्प है, युवाओं के लिए रोजगार ही सही है। तो कमजोर हो जाएंगे। ऐसा क्या लगता है, सरकार बहुत सारे मुद्दों पे तो बात करती है लेकिन खासकर जब युवा वर्ग की बात आती है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार भूल जाती है? सर, सबसे बड़ी बात यह कि जो सरकार के पास वैकेंसी होती हैं उनको रिलीज नहीं करते हैं। चुनाव का मौसम आता है, आपके पास बहुत सारी वैकेंसी आ जाती हैं, कहाँ से आ जाती हैं? चाहे वर्ग एक की बात कर लीजिए, दो की बात कर लीजिए, पटवारी की बात कर लीजिए, पिछले 5 साल में आपने एग्जाम नहीं कराया, आपके पास चुनाव के बाद वैकेंसीज कहाँ से आ जाती हैं? उनको आप रिलीज कीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हैं वो नहीं करते हैं, तो बेरोजगारी बढ़ती है। आप उसको चुनावी फायदे के लिए मतलब रखे रहते हैं कि हमारी वैकेंसी चुनाव आएगा, हम अपनी वैकेंसी कराएंगे। अभी हमने पटवारी की 9000 वैकेंसी कराई, कहाँ से आपके पास? एक साल में तो आनी गई, उसके पहले भी आप वो एग्ज़ाम करा सकते थे, आपने नहीं कराए। बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा रीज़न है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब वैकेंसियों की बात आती है, रिज़ल्ट बहुत देरी से आते हैं, और जो 9 महीने 10 महीने या 2-2 साल की देरी से रिज़ल्ट आते हैं, उससे छात्रों का या ऐसे लोग जो रोज़गार के इंतज़ार में बैठे हैं उनका बहुत नुकसान होता है। सर, ये बात बिल्कुल सही है। अभी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था 3 महीने पहले, तो उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। तो सर, वो बच्चा बेचारा अभी इंतजार ही कर रहा है कि मेरा रिज़ल्ट आएगा, और अभी बच्चों की उम्र ऐसी हो गई है पढ़ पढ़ के, मतलब 28 से 29 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, और मानसिक तनाव भी स्टूडेंट्स पर काफ़ी रहता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और रिजल्ट काफ़ी जल्द से जल्द देना चाहिए। सर, मैं और भी काफ़ी बातें ऐड करना चाहूँगा। सर, जैसे कि जो मासिक वेतन दिया जाता है, आप देख लीजिए कांस्टेबल को दिया जाता है सिर्फ 18,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, क्या उससे वो अपने जीवन का पालन पोषण कर सकता है? क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? सर, अदर स्टेट में आप देखिए, गुजरात में देखिए, यूपी में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, पंजाब में देखिए, जितनी भी अदर स्टेट है वहाँ कांस्टेबल को कम से कम 35,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार में जो वेतन भत्ता दिया जाता है हमारे सरकारी कर्मचारियों को, वो काफ़ी कम है। और सर, जो अदर स्टेट्स के कोटे को भी कम करना चाहिए या फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे एमपी का जो युवक है वो बेरोजगार है, और हमें मतलब एमपी को जो मूल निवासी हो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। निश्चित रूप से ये युवा वर्ग है, और युवा वर्ग एक और हमारे साथ हैं, और इस हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि खासकर लड़कियों के लिए सरकार वादे करती है, तमाम सारी योजनाएं भी चलाती है, लेकिन धरातल पर क्या लगता है और किस तरह की कमी महसूस? देखिए, मुझे तो ये मुझे गर्ल्स बॉय में कोई मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता। मैं कभी ऐसा सोचती भी नहीं हूँ कि कोई गर्ल है कोई बॉय, इट्स ओके, मैटर करता है काबिलियत का। जो 5वीं और 8वीं को इन्होंने बोर्ड से हटाया है, उसके कारण हुआ क्या है कि जो 5th क्लास का बच्चा पढ़कर 8th क्लास में पढ़कर वो आगे उसे कुछ आ ही नहीं रहा है, उसके बाद वो 12th पास कर ले रहा है, उसके कारण कंडीशन ये हो रही कि वो एक नया बेरोजगार निकल के अपने सामने आ रहा है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि 5th अगेन वो बोर्ड करे, 8th अगेन वो बोर्ड करे, उसके बाद जो बच्चा अपनी मेहनत से पढ़ के निकलेगा वो एक काबिल बन जाएगा, उसके बाद बेरोजगारी खुद से ही ख़त्म हो जाएगी। सिंपल सी बात यह है। और गवर्नमेंट का ऐसा है कि आप देखिए 5th क्लास मतलब इतने प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, इतनी सारी ज़्यादा फैसिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है, जितनी फैसिलिटी मिलेगी उतना इंसान कायर होगा, काबिल मतलब मेहनत करना इंसान छोड़ रहा है एक प्रकार से। एक स्टूडेंट भी मेहनत नहीं करता है उसे पता है, आज छोटे छोटे बच्चे को पता चल गया गवर्नमेंट स्कूल के 5वीं ठीक है मैडम हमें पास कर देगी, 8th हमें पास कर देगी, 12th हम मतलब गिरते पड़ते पास हो जाएंगे, उसके बाद एक बेरोजगार ही निकलेगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो मजदूरी करेगा, पैसे खाएगा, 1 रुपये किलो चावल खाएगा, 2 रुपये किलो गेहूँ खाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके कारण ऐसा है बेरोजगारी, जैसे हम इतने सारे हैं और एक बार बहुत सारे हो जाएंगे, बस इतना है। और जो अपना वोट बैंक है वो कंटिन्यू ऐसे पैसे में बिकता जाएगा, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होगा। तो ये युवाओं के विचार हैं, और निश्चित रूप से युवा जब आगे आकर खुद ब खुद बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सही तरह से समस्याएं निकल कर सामने आती है। बहरहाल, सरकार को इन पर विचार करना चाहिए, और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद युवा जिसकी भी सरकार बनाए, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आगामी सरकार युवाओं के इन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपनी कार्यशैली को आगे और बढ़ाएगी। बहरहाल, DAVU के इस कैंपस से अपने सहयोगी प्रतीक सोलंकी के साथ मैं राहुल तिवारी, टैलेंटेड इंडिया, इंदौर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।